अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गाइस उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो मैं रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ ये पोलैंड का है। तो बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा था और कमेंट आ रहा था कि सर यूरोप का कोई कंट्री होगा तो वहाँ का वैकेंसी लाइए। तो क्या था, एक्चुअली जब वर्क परमिट होता है वही वैकेंसी हम अपडेट करते हैं दूसरी कंट्री का गल्फ छोड़ के। तो आज का जो वैकेंसी है, जो पोलैंड का रिक्वायरमेंट है, ये वीजा जो होगा वर्क परमिट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी है और उम्र कितना चाहिए, पासपोर्ट कौन सा होना चाहिए, कितने दिन का यह प्रोसेस होगा, ये इंटरव्यू है कि मतलब सीवी सिलेक्शन है, और उसके बाद में उम्र क्या रहेगा, सैलरी क्या होगा, ये सारा डिटेल जो है ना मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये करूँगा वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के बाद ही जैसा मैं बताऊँगा उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके भेजना है। जो और जिस नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा वो नंबर मैं इसी वीडियो के अंदर दूंगा। तो पहले वीडियो जब अच्छे से समझ लोगे तो ही आपको समझ में आएगा किस जॉब में मतलब किस तरह अप्लाई करना है। और बहुत से बंदे के पास में नंबर है कंपनी का, लेकिन वो लोग जो है ना हर नंबर पे फोन करके पूछते हैं ये वैकेंसी कैसा है, इसमें क्या डॉक्यूमेंट जाएगा, क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, आप लोग पूछते रह जाते हो और पूरी डिटेल समझ में नहीं आता है। तो जब तक समझ में आता है वैकेंसी आप भेजते हैं, अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो वैकेंसी खत्म हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि वीडियो मैंने आपके लिए ही बता रहा हूँ कि हर बंदे को फोन पे रिप्लाई नहीं कर मिलता है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता है, बहुत फोन आता है। तो इसके वजह से हम वीडियो बनाते हैं कि वीडियो के अंदर ही सारा चीज हम बता दें। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो इस जॉब में अगर जाना रहेगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या खर्चा आने वाला है, क्या सैलरी होगा, किस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है। और हमेशा याद रखो जो वीडियो में जो वैकेंसी में जो नंबर देता है उस जॉब में अप्लाई करने के लिए उसी नंबर पे आप लोग डॉक्यूमेंट भेजा करिए, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अगर ये चाहते हो कि हमको नया नया जॉब के बारे में अपडेट मिलता रहे हमारे व्हाट्सअप पे ही, तो व्हाट्सअप का चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो वीडियो खत्म होने के बाद मैं वो लिंक पे क्लिक कर रहा तो व्हाट्सअप ऑटोमेटिक आपका खुल जाएगा, वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो कर लेना। तो आपका जो भी नया जॉब आएगा आपको व्हाट्सअप पे ही रिसीव होता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो में अभी आगे बढ़ते हैं। आज का जो रिक्वायरमेंट है पोलैंड का है और जो वीजा होगा वो वर्क परमिट वीजा रहेगा। इसके अंदर जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है वो स्टील फिक्सर है, 150 बंदे चाहिए, और शटरिंग कारपेंटर चाहिए 150 बंदे, ठीक है। और जिसका जो सैलरी होगा वो दो कैटेगरी है, स्टील फिक्सर और शटरिंग कारपेंटर। 150 लड़के का रिक्वायरमेंट है। सैलरी जो होगा वो पोलैंड पोलैंड का जो वहाँ का जो करेंसी होता है उस करेंसी के हिसाब से 23.5 जो वहाँ का डॉलर चलता है वो 23.5 डॉलर पोलैंडी करेंसी में आपको मिलेगा पर घंटे, ठीक है। यानी वहाँ पे ड्यूटी 8 घंटा 10 घंटा वाला सिस्टम नहीं होता है। आप जैसे 6 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं या 7 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, कम से कम 7 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो और उसके ऊपर जो भी करोगे वो आपका अलग से रहेगा, लेकिन 1 घंटे का जो है घंटे के हिसाब से वहाँ सैलरी मिलता है। तो अगर आप 7 घंटा ड्यूटी करते हैं तो आप इस हिसाब से अपना कैलकुलेटर लगा कर सकते हैं कि 1 घंटे का जो पोलैंड का एजेंसी है वो 23.5 वहाँ का डॉलर है वो मिलता है। तो आप अगर 8 घंटा ड्यूटी करते हो तो 8 घंटे का 23.5 के हिसाब से कितना होता है, फिर उसको आप इंडिया के करेंसी में आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कितना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये सैलरी होगा, हफ्ते में एक छुट्टी होगा और फ्री फूड रहेगा, खाना फ्री रहेगा आपको, और रूम, वहाँ का आईडी कार्ड, जो भी परमिट कार्ड होता है, ये सारा जो फैसिलिटी होती है सारा कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। यानी खाना, रहना, नाश्ता सब कुछ कंपनी देगा, ठीक है। और जो सैलरी होगा 23.5 डॉलर पोलैंडी करेंसी में। तो ये मान के चलिए 8 घंटा फिक्स ड्यूटी करना है, हफ्ते में छुट्टी है, आपको खाना कंपनी देगी, रहना कंपनी देगी, वहाँ का जो परमिट आईडी होता है वो कंपनी बनाएगी, मेडिकल कंपनी बनाएगी, और 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल पे आने जाने का आपको छुट्टी मिलेगा। तो इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि बंदा रिटर्न फ्रेश हो, फ्रेश भी बंदा अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो शटरिंग कारपेंटर और स्टील फिक्सर में अगर आप जा रहे हो तो एबीसी का टेस्ट चाहिए, ठीक है। कम से कम वो 60% लेके आया हो, अगर टेस्ट वाला बंदा अप्लाई ना करे। अगर आप रिटर्न है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जो भी कंट्री से आप रिटर्न है वहां उस कंपनी में जो भी काम करे हो, अगर एक्सपीरियंस लेटर भी है, फिर भी आपका एबीसी ने तो आईसा का टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप लोग हमेशा याद रखो, अगर डॉक्यूमेंट भेजना है तो कंप्लीट करके भेजना। अगर आपके पास एबीसी टेस्ट नहीं है तो आपके पास अगर दिल्ली नजदीक है तो दिल्ली में जाके करा सकते हैं। अगर लखनऊ और गोरखपुर, मुंबई आसपास अगर आप हैं तो वहाँ पे आईसा में करवा सकते हैं, ठीक है। और एड्रेस आपको चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हो, आईसा ट्रेनिंग सेंटर एड्रेस इन लखनऊ या मुंबई ऐसा डालोगे तो आ जाएगा। एपीसी अगर आपके पास दिल्ली नज़दीक है तो एपीसी ट्रेनिंग सेंटर एड्रेस इन दिल्ली ऐसी डालोगे तो एड्रेस आ सकता है, नंबर भी आ जाएगा। आप पहले जाके वहाँ पे टेस्ट करवाइए। टेस्ट होने के बाद में आपका एक सीवी पहले बनाना है, प्रोफेशन उसमें डालना है, स्टील फिक्सर या शटरिंग कारपेंटर जो भी आप हैं, और कितना साल से टोटल आपके पास एक्सपीरियंस है वो डालना है। उसके बाद आपका पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, पासपोर्ट साइज का फोटो और टेस्ट सर्टिफिकेट, ये सारा एक पीडीएफ करके और यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हो उस पर भेजना है।
और आपको बोलना है कि मैं पोलैंड वाला वैकेंसी देखा हूँ, उसमें मैं जाना चाह रहा हूँ। आपका डॉक्यूमेंट आएगा तो आपको फिर आगे का सर्विस चार्ज क्या होगा क्या नहीं देगा वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आप एग्री होंगे तो आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आप फोन करेंगे, उसके बाद पूछेंगे इसका सर्विस चार्ज क्या है, ऑफिस एड्रेस कहाँ है, तो आप ऐसे पूछते रह जाएंगे जब तक आपको सारा चीज मालूम होगा, वैकेंसी खत्म हो जाता है। तो जो भी बंदे, बहुत से बंदे मेडिकल कराए जब तक डॉक्यूमेंट देते हैं, वैकेंसी जब खत्म हो जाता है, तो उनका यही प्रॉब्लम है। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं कि सबको हम डिटेल हर बार बार फोन पे नहीं बता सकते हैं। वीडियो हम बनाते हैं, आप वीडियो पूरा देखिए, समझिए और जिस तरीके से बोल रहा हूँ उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। अब क्या होता है कि जैसा अगर आप ये वाला वीडियो देख लिए, अब 2 दिन आप फोन करते रहेंगे, फिर उसके बाद जाकर टेस्ट कराएंगे, फिर डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, फिर जब तक वैकेंसी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप वीडियो देखो, तो पहला काम ये करना है आपको। अगर टेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास आईएसएन तो बीसी का है तो ठीक है, नहीं तो जाके पहले टेस्ट करा लो, उसके बाद डॉक्यूमेंट करो, फिर दिए गए नंबर पे आप भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट आने के बाद आगे का प्रोसेस को बताया जाएगा किस तरीके से क्या करना है, कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं दे रहा आपको, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट भेज के आप अपने जॉब को प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी का कुछ क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी पहचान लगे फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।